उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में सपा डिंपल की बदौलत अपना गढ़ यानी मैनपुरी बचाने में तो कामयाब रही, लेकिन आजम के गढ़ रामपुर को नहीं बचा पाई। आजम खान के गढ़ में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, जहां से बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने सदर सीट से शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने रामपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार असीम रजा को 34,000 वोटों से हराया है। माना जाता है कि आजम खान की विधायकी खत्म करने में आकाश सक्सेना का अहम योगदान रहा है। रामपुर उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की। आकाश सक्सेना ने कहा कि रामपुर के साथ साथ पूरे यूपी का मुसलमान योगी सरकार के साथ है। योगी सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर रामपुर के हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें वोट किया है। आज ये साफ हो गया है सामने कि इस देश में जो रामपुर का मुसलमान ही है, उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है, वो योगी सरकार में पूरी तरह सुरक्षित और सम्मान महसूस कर रहा है। और आज ये जो परिणाम है उसमें सरकार का जो विश्वास है सरकार के प्रति, वो रामपुर की जनता में, रामपुर के मुसलमान भाइयों में जो दिखा है। दरअसल रामपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना पेशे से कारोबारी हैं और पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के बेटे हैं। उन्होंने ही आजम के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जिसका फैसला आने के बाद आजम की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। अब्दुल्ला आजम की फर्जी डिग्री केस में उनकी विधानसभा सदस्यता को समाप्त करवाने में भी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। आकाश छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं, उसके बाद कारोबार में सक्रिय हुए। वो IIA के लंबे समय तक चेयरमैन भी रहे। आपको बता दें कि बीजेपी ने उन्हें पश्चिमी यूपी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ का संयोजक भी बनाया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आकाश आजम और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज 43 मुकदमों में सीधे पक्षकार हैं। आकाश सक्सेना की आजम परिवार से लड़ाई साल 2018 में अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले से शुरू हुई थी, जो आजम की विधायकी जाने तक जारी है। उनके पिता शिव बहादुर सक्सेना रामपुर के स्वार टांडा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। वो कल्याण सिंह सरकार में मंत्री भी थे। उनके कल्याण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बीजेपी नेताओं से अच्छे रिश्ते थे। इस खबर से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।